दमखम रखता है? जी, सबसे पहले तो एमआरएफ की बात करते हैं। मेरा सलाह रहेगी एमआरएफ को आप होल्ड करिए अभी भी। अभी भी ये देखा जाए तो ये शेयर 85-87 हज़ार रुपये का लेवल टच करने के बाद में हमने 65 हज़ार के लेवल भी अभी रिसेंटली देखे, और आप थोड़ा सा मोमेंटम स्टॉक में दोबारा देखने को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल 75 हज़ार का जो आपका बाय प्राइस है वहां तक जा सकता है, और मेरी सलाह रहेगी 75 हज़ार के प्राइस जब आ जाए तब इस स्टॉक में से निकल के आप मारुति में पोजीशन शिफ्ट कर लें, क्योंकि मारुति में मुझे लगता है यहाँ से करीब 1,000 रुपये की तेजी आने वाले समय में, इनफैक्ट यदि 6 महीने का टाइम फ्रेम रखे तो वहाँ और बनती दिखाई देती है। तो एमआरएफ थोड़ा सा और इंतजार करें ताकि आपको लॉस ना हो। जहाँ तक आरती इंडस्ट्रीज का सवाल है, मेरा मानना है जो एक रनअप देखने को मिला एक थोड़ा सा केमिकल स्टॉक्स में, वो अब थोड़ा शॉर्ट लिव नजर आता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो इन कंपनीज का जो मार्जिन है उसको हर्ट कर रहे हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज में से मेरी सलाह रहेगी आप निकल जाए, और मेरा मानना है कि इसके बजाय आप टाटा एलेक्सी में निवेश करते हैं उतना, तो 7,800 के आसपास स्टॉक चल रहा है, और मेरा मानना है 6 महीने में स्टॉक करीब 9.5 से 10 हज़ार के लेवल भी आपको टाटा एलेक्सी में आते दिखाई देंगे। तो ये आपको बेटर रिटर्न देगा। मुझे लगता है आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक एक नैरो रेंज में ही मूव करेगा, तो ये दोनों स्टॉक्स पे मेरी सलाह। ठीक है, तो ये दोनों ही काउंटर्स पे आपको राय दे दी गई है। एमआरएफ के लिए स्पेसिफिकली आपको कहा जा रहा है कि मारुति में जो है अपना निवेश आप कर सकते हैं। हम एक ज़बरदस्त रनअप देख रहे थे मारुति के स्टॉक में आते हुए, और आज ही एक दूसरा भी अनाउंसमेंट आया है कि ईवी को लेकर कई बार बात होती है कि मारुति एंट्री नहीं लेगी, पर मारुति ने अपनी स्ट्रैटेजी साफ की हुई है कि वो हाइब्रिड्स में एंटर करेंगी आने वाले समय में। अगस्त से हम एक हाइब्रिड का प्रोडक्शन होते हुए भी देख सकते हैं, टोयोटा के साथ ये करार कर रहे हैं, और ये मॉडल जो है ये भारत में तो उसको सेल करेंगे ही करेंगे, एक्सपोर्ट के लिए भी ये कंपनी उस पर अपनी नज़र गड़ाई बैठी है। तो मारुति के लिए आज एक फिर एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट हम आते हुए देख रहे हैं, जहाँ पे सुजुकी प्रेसिडेंट का काफ़ी अच्छा बयान आया है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये जो एक स्टेप हम ले रहे हैं कि बड़ा माइलस्टोन आने वाले समय में साबित हो सकता है। तो मारुति का शेयर तेज़ दौड़ लगाता हुआ यहाँ पे आगे भी अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ छत्तीस ने हमें सवाल भेजा है। इनके पास हिंडाल्को के 40 शेयर हैं 423 रुपये के भाव पर। आशीष जी, आपसे ही राय चाहेंगे, पूरी तरह से अब ये बेयर ग्रिप में चला गया है शेयर, अपने रीसेंट हाईस की अगर बात करें मार्च की तो वहाँ से ऑलमोस्ट 45-50% नीचे है ये। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं हिंडाल्को के लिए, आप जिस तरह से एनर्जी के प्राइसेस नीचे आई हैं, कहने के लिए इनके मार्जिन को प्रोटेक्ट करेगा वो। ये बताइए कि यहाँ से हिंडाल्को क्या स्थिर होकर अब चलेगा या फिर अभी जो प्रेशर है वे कंटिन्यू करेगा वो? देखिए, मेटल स्टॉक्स को तभी बाय करना चाहिए जब अपने 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हो, तभी आपको कॉमोडिटीज में बड़ा पैसा बनता है। जनरली हम मिस्टेक ये करते हैं कि जब पीक ऑफ द साइकिल होता है, डेली स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, तब हम उसमें निवेश कर देते हैं। तो मेरा मानना है हिंडाल्को जैसा स्टॉक अपने 50 डिग्री लो के बिल्कुल पास में मिल रहा है, बट अभी भी मेरा मानना वर्स्ट ओवर नहीं हुआ है कंपनी के लिए। यदि 290 रुपये के आसपास जैसे स्टॉक में आपको एंट्री का मौका मिले तो बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली कुछ भी इशू नहीं है। जरूर थोड़ा सा जो पीक में प्रॉफिट हमने देखा था उतना नहीं आएगा, बट जो उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जो साइज है, उसको देखते हुए वो अपना मुनाफे बिल्कुल मेंटेन कर पाएंगे। दूसरी बात यह है, क्योंकि यदि ग्लोबल मार्केट दोबारा से इकोनॉमीज जैसे ही इन्फ्लेशन का जो फियर है वो छोड़कर दोबारा से रिबाउंड मोड में आएगी, तब आप दोबारा देखेंगे कॉमोडिटी प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। तो एक अच्छा समय है हिंडाल्को के स्टॉक को 290 से 300 के बीच में खरीदने का। ठीक है, द वर्स्ट इज नॉट ओवर, थोड़े से बुरे दिन भी और आ सकते हैं, लेकिन चूंकि 52 वीक लोज के आसपास शेयर है तो आपके लिए एक एंट्री का बेहतरीन मौका बन सकता है, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी स्टॉक्स धीरे धीरे